गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड हेल्दी। सो स्टूडेंट, टेक आउट योर बुक, ओपन पेज नंबर 81, ओपन पेज नंबर 81। नाउ स्टूडेंट, लेट do recapitulation what we have done in our previous video. In our previous video we have completed question number A, multiple choice question. For one question there are 4 options are given and we have to choose the right option. So we have completed question number A and question number B, and we are doing question number C, that is true or false. Okay, so open page number 81 and you have to note down the answer in your book. You have to complete book exercises in the book and question answer you will note down in the classwork copy. So let us start from question number 4. The lungs mean so student, the question is the lungs mean the community eating together. So community eating together, what does it means? It means the people who are living in the community, and this word langar, this is used in Punjab state. ठीक है बेटा, ये word langar, जैसे यहाँ पे जो कम्युनिटी ईटिंग होती है हम लोग भंडारा बोलते हैं, ठीक है, और पंजाब में इसे लंगर्स बोलते हैं। सो द लंगर्स मीन द कम्युनिटी ईटिंग टुगेदर। यस, दिस इज द ट्रू राइट आंसर। एंड स्टूडेंट, एनी वन कैन गो इन दिस लंगर्स। ओके, ऐसा नहीं है कि यू आर नॉट फ्रॉम दिस रिलीजन सो यू कांट अटेंड दिस लंगर्स। वेदर यू आर बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन और एनी कास्ट, पीपल ऑफ एनी रिलीजन, पीपल ऑफ एनी कास्ट, मतलब कोई भी ह्यूमन बींग, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी कास्ट का हो, कोई भी इन कम्युनिटी ईटिंग्स में, लंगर्स में जा सकता है खाना खाने। इज इट क्लियर? ऐसा रिलीजन्स को लेके और कास्ट को लेके कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। सो द लंगर्स मीन्स द कम्युनिटी ईटिंग टुगेदर, सो दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5, Each society has its own NGOs. See, it is not possible for the government to fulfill all the facilities of the people. So government allows some NGOs to do work for the welfare of the peoples. Okay, but here it is given
each society has its own NGO. No, this is false. This is false. कोई भी एनजीओ होगी वो सबके लिए वर्क करती है, बिकॉज एनजीओ का मतलब ही है नो प्रॉफिट. इज इट क्लियर? सो ऐसा नहीं है कि वो लोग कोई पार्टिकुलर सोसाइटी के लिए वर्क करेंगे. दे विल वर्क फॉर द ऑल द पीपल्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी. जितनी भी कम्युनिटीज के पीपल हैं वो सबके लिए, सबके वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं. इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट दिस इज फॉल्स. सो स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड द बुक एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर नंबर 13. नाउ टेक आउट योर क्लासवर्क कॉपी. Take out your classwork copy. First you write the name of the chapter, that is write the date 44/9/2020, chapter 13, our community, and then you note down the first question. First question is what is a community. So ab sabko I think ye clear ho gaya hoga. A group of people living together in a particular area. किसी एरिया में कुछ लोग मिलके रहते हैं तो उसी को कम्युनिटी बोलते हैं. ठीक है? अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ पार्टिकुलर एरिया इज नोन एज कम्युनिटी. सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. सो नाउ टेक आउट योर क्लासवर्क कॉपी एंड नोट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, और यू कैन ऑल्सो राइट फ्रॉम द बोर्ड. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हेन आई एम राइटिंग क्वेश्चन आंसर ऑन द बोर्ड, स्टूडेंट बेस्ट मेथड इज दैट यू टेक ए स्क्रीन शॉट फ्रॉम योर मोबाइल्स. ठीक है? अपने मोबाइल से स्क्रीन शॉट ले लो. फ्रॉम देयर यू कैन वेरी वेरी इजिली यू कैन नोट डाउन इन योर क्लासवर्क कॉपी. आप बार बार इसको पॉज करोगे, वीडियो को रोक रोक के देखोगे, आप उसमें गलत उतार लेते हो. सबसे बेस्ट टेक्निक है द पेज इज ओपन आफ्टर राइटिंग आई एम स्टैंडिंग हियर द पेज इज ओपन यू टेक ए स्क्रीन शॉट and from that screenshot you note down the answers in your classwork copy so that there is no confusion. Okay? First question is answer the following. We are doing question number D. Answer the following. Question number 1. What is a community? What So, note down the answer, student. A group of people living together in a particular area is called it a
is called a community. So what is the answer? A group of people living together in a particular area is called a community. What is community? वो एरिया जहां कुछ लोग मिलके रहते हैं उसी को क्या कहते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं. अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ पार्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इट ए कम्युनिटी. इज इट क्लियर? सो नोट डाउन द आंसर और टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम द बोर्ड. क्वेश्चन नंबर टू. व्हाट इज ए लंगर? ओके, तो ये भी तुम लोग को अभी मैंने ट्रू एंड फॉल्स में बताया ही है. कम्युनिटी ईटिंग टुगेदर दैट इज नोन एज ए लंगर. Give an example. So, note down. Langar is the term used in Sikhism. For community kitchen in gurudwaras. Where a free meal is served to all the visitors.
without distinction of religion, caste, gender and economic status. See student, what is a langar? Give an example. So langar is the term used in Sikhism. जो सिख लोग होते हैं जिन्हें हम सरदार बोलते हैं, ठीक है, वो लोग कहाँ, उनकी वर्शिप प्लेस क्या होती है? गुरुद्वारा, ठीक है. सो इसीलिए मैंने ट्रू एंड फॉल्स में भी बोला था, ये पंजाब स्टेट में ज्यादा यूज होता है लंगर वर्ड, ठीक है. वहां भंडारा नहीं बोलते हैं, लंगर्स बोलते हैं. इज इट क्लियर? सो लंगर इज द टर्म यूज इन सिखिज्म फॉर कम्युनिटी किचन इन गुरुद्वारा. और ये लंगर्स कहाँ लगते हैं? गुरुद्वारा में लगते हैं, ठीक है. जो उनकी क्या होती है? वर्शिप प्लेस होती है. किसकी? सिख लोगों की, ठीक है. वेयर अ फ्री मील इज सर्व टू ऑल द विजिटर्स. सो फ्री मील, these are langars. Peoples are not paying money for that. Langars हैं या भंडारास हैं, इसमें जो लोग जाते हैं खाना खाने के लिए, वो कोई पैसा नहीं देते हैं बेटा, ठीक है. इस तरह के में क्या है? फ्री मील मिलती है सबको. खाना क्या है? फ्री मिलता है. टू ऑल द विजिटर्स विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रिलीजन को लेके कोई भेदभाव नहीं है कि आप इस रिलीजन के नहीं हो, दूसरे रिलीजन के हो. सो स्टूडेंट, कोई रिलीजन को लेके कोई भेदभाव नहीं है. पर्सन बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन, दे कैन गोज इन दिस लंगर्स एंड दे गेट द मील, फ्री मील इन द लंगर्स, ओके, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रिलीजन, कास्ट, CASTE, कास्ट, ठीक है. सो एंड कास्ट, जेंडर एंड इकोनॉमिक स्टेटस. ऐसा नहीं है जो बहुत अमीर लोग हैं वही जा सकते हैं, गरीब लोग भी जा सकते हैं, ठीक है. तो ये पूरा है व्हाट इज अ लंगर, ठीक है. और लंगर कहाँ लगाए जाते हैं? गुरुद्वारास में. लंगर कहाँ चलते हैं? गुरुद्वारा में चलते हैं, ठीक है. सो टेक अ स्क्रीन शॉट. Now note down question number 3. What is the role of RA? Resident Welfare Association. Okay, so note down. Following are the role of RAS.
ओके सो नोट डाउन टू मेंटेन द पार्क ऑफ ए कॉलोनी ओके सो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था जितनी भी कॉलोनीज होती हैं उनकी अपनी अपनी एक कमेटी बनती है ठीक है दीज सम पर्संस आर इलेक्टेड एंड दे आर चूज एज ए मेंबर ऑफ द कमेटी ओके एंड नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन इट आस्क व्हाट इज द रोल ऑफ दीज कमेटी जो रा बनती है हर कॉलोनीज में तो व्हाट आर द रोल ऑफ दिस रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन व्हाट रोल दे प्ले सो वी राइट सम ऑफ द ड्यूटीज ऑफ रा टू मेंटेन द पार्क ऑफ ए कॉलोनी इज इट क्लियर टू लुक After the security and to look after the security and welfare Security and welfare of the residents. To organize. Note down to organize social functions social function मेलास फेस्टिवल्स एंड अदर कल्चरल activities next to ensure regular To ensure regular cleaning of drain and collection. Of so student these are some of the duties these are
some of the duties of the member of the committee of RA. Is it clear? See the first point, to maintain the park of the colony. So for providing good facilities in the park. If are these facilities, we also pay money for that also. ठीक है बेटा, इन facilities के लिए हम लोग money भी pay करते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है who is the member of the committee, he give his own money. ठीक है, we also paying money for getting the good facilities. So to maintain the park of the colony, so there is a one member in the committee to look after the park, and other members of the community also help him. Other members of the community also help him. Is it clear? Next is to look after the security and welfare of the residents. So it is very important where you are living, that place is secure or not. सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जहां आप रह रहे हो वहां प्रॉपर सिक्योरिटी है कि नहीं. आप शहरों में चले जाओ, बहुत से अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे आपको जहां बहुत सी फैमिलीज आर लिविंग टुगेदर, मोर देन 50, 60, 100 फैमिलीज आर लिविंग टुगेदर. यू विल सी दैट वेन एवर यू इंटर्स इन सच अपार्टमेंट्स, देयर आर सिक्योरिटी पर्सन, दे हैव रजिस्टर. If you want to meet anyone, they note your mobile number, they note your address, even they check your identity proof card also, from where you are coming. All the details they will mention in the register. If anyone want to check, they can check from the register, and with the timing also, when this person enter in the apartment and when he go back, at that time also they again take the signature of the person, and at what time he go out and where he is going, they also note down the address of that person. All these things have been mentioned. So it is very important thing is that, student, where we are living, that place should be, where we are living, that place there should be good security and facilities which make your life easier and comfortable, which make your life easier and comfortable. So next, to organize social functions. So this is also one of the important role of the members of the committee. They organize social functions and melas, festivals and other cultural activity in the same manner. जब भी festivals होते हैं, festivals में सारे community के लोग मिल के festivals को celebrate करते हैं. ठीक है, चाहे कोई भी festival हो. ठीक है, so they all enjoy the festival or cultural activity. जिस तरह आपके school में education तो होती है, but instead of education there are many also other activities also which are known as co-cooler activities, like games, sports, drawing competition, writing competition, music competition, song competition. So is tarah ki cultural activities bhi wo log us area mein rehne wale logon mein karate hain. Theek hai. Next hai to ensure regular cleaning of drain and collection of garbage. This is a very important. The drain pipe should be proper covered. ठीक है, बहुत सा dirty water that goes out from our house daily through the drain pipe. ठीक है, through the drain pipe lot of dirty water goes out from the houses. So student, these drain pipes, drains
जो नालियां होती हैं जिससे पानी होके जाता है, सो दीज शुड बी प्रॉपर कवर्ड. ये क्या होनी चाहिए? प्रॉपर कवर्ड होनी चाहिए. ओके. एंड कलेक्शन ऑफ ए गार्बेज, देयर आर सो मेनी हाउसेस इन दैट कम्युनिटी, सो एवरी पीपल थ्रोइंग गार्बेज एंड दे आर थ्रोइंग इन अ डस्टबिन. ठीक है, या एक प्रॉपर कोई प्लेस हो वहीं पे सब अपना कूड़ा वहीं पे फेंके. ठीक है, फिर आफ्टर दैट दिस गार्बेज इज द कलेक्शन ऑफ द गार्बेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ऐसा नहीं कि वहां कूड़े का ढेर बन जाएगा. फिर उस गार्बेज को, आप शहरों में रहते हो तो नगर निगम की गाड़ियां आती हैं बेटा, वो सारा गार्बेज एक जगह से उठा के फिर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ले जाते हैं. ठीक है, सो स्टूडेंट थैंक यू.